दो देश दो परेड सौ मिसाइल और ड्रोन जैसे घातक हथियार लेकिन टारगेट एक। ईरान की ताकत दुनिया ने बहुत देखी है। आप यमन की पावर देखिए, ये वो देश है जिसने 9 साल से ग्रह युद्ध झेला, वो अब अपनी ताकत दिखा रहा है। यमन वो देश है जिसने पिछले 8 वर्षों से सऊदी अरब और उसके 15 साथी देशों से युद्ध लड़ा, जिस युद्ध में उसके खिलाफ अमेरिका भी रहा, ब्रिटेन भी रहा और इजराइल ने भी यमन के खिलाफ मदद की। वो यमन अब अमेरिका और इजराइल दोनों को ललकार रहा है। युद्ध की ऐसी ललकार, ऐसा गुस्सा, आप इस इलाके को पश्चिम एशिया कहकर बुलाइए, इसे खाड़ी कहिए या फिर मिडल ईस्ट, नाम कितने भी हो, लेकिन इस वक्त यूक्रेन के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका कोई है तो वो यही जमीन है। पिछले 4 दशकों से ये इलाका युद्ध देख रहा है और अब एक बार फिर यमन और ईरान ने अपनी परेड दिखाकर बता दिया है कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ उसका युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। एक तरह से कहा जाए तो यमन और ईरान ने मिलकर डबल धमाका कर दिया है। जब से यमन और ईरान ने बैक टू बैक 2 परेड निकाली है, इसे इजराइल के खिलाफ निकाली गई तबाही की परेड कहा जा रहा है। इसे देखकर इजराइल से ज्यादा अमेरिका घबरा गया है, क्योंकि यही अब 2 दुश्मन हैं जिनसे ईरान अपना हिसाब बराबर करना चाहता है। सऊदी अरब से दोस्ती के बाद ईरान के सामने अब सिर्फ 2 ही बड़े चैलेंज हैं, ये है इजराइल और अमेरिका। बहुत गौर से देखिए, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल और अमेरिका के लिए क्या कहा। امروز در دکترین جمهوری اسلامی ایران جنگ یا سلطه‌گری بر دیگران وجود ندارد، اما حفظ آمادگی نظامی با رویکرد دفاعی برای امنیت پایدار و بازدارندگی तेल अवीब से ज्यादा व्हाइट हाउस तक इस परेड के ट्रेलर ने ही ऐसा खौफजदा कर दिया है कि पश्चिम एशिया के दाएं बाएं वाले देश, वहां रहने वाली करोड़ों की आबादी चौकन्नी हो चुकी है। पश्चिम एशिया में इस वक्त युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और इसे देखते हुए ईरान पहले ही अपने हथियारों को यूक्रेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ अमेरिका और इजराइल को भी चैलेंज कर रहा है। ईरान अपनी वार्निंग को हमले में बदलना बहुत अच्छी तरह से जानता है, ऐसा उसने जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद करके दिखाया था। साथ में अब यमन में जो परेड हुई है उसने ईरान की ताकत को और बढ़ा दिया है। यमन वो देश है जिसके ज्यादातर हथियार ईरान से ही सप्लाई किए गए हैं। यमन की इस मिसाइल का नाम है तूफान, जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। इस मिसाइल से यमन ने सऊदी अरब को कई बार डराया है। इजराइल को भी लगता है कि यमन को ऐसे और हथियार मिल सकते हैं और फिर वो उसके लिए खतरा बन जाएंगे। ईरान भी यही डर फैलाना चाहता है। जाहिर है कि इजराइल के लिए भी एक नया फ्रंट साबित हो रहा है। للسلام العادل والمشرف لكننا في نفس الوقت أيدينا على الزناد لمواجهة أي عدوان وأي اعتداء على بلدنا أو استمرار في قمع شعبنا والاعتداء عليه। यमन का फोकस इस वक्त सऊदी अरब से हटकर उन देशों पर जा पहुंचा है जो उसके साथ ईरान के लिए भी खतरा है। सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती और यमन के साथ उसकी सुलह ने एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है, क्योंकि ये दोनों देश अब तक सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा मोर्चा बनाना चाहते थे, लेकिन पश्चिम एशिया में आए कूटनीतिक बदलावों ने अब पिक्चर बड़ी कर दी है। यमन और सऊदी अरब के बीच युद्ध खत्म हो चुका है और यमन अब सीधे इजराइल को टक्कर देना चाहता है, लेकिन साथ में यमन की तरफ से एक वार्निंग सऊदी अरब को भी दी जा रही है जो इस परेड में छुपी हुई है। यमन एक छोटा देश है, बेहद गरीब देश है,
लेकिन उसने सऊदी अरब के सामने हथियार नहीं डाले। इसकी वजह ईरान से मिलने वाली मदद रही है। ईरान ने अपनी मिलिट्री पावर से अमेरिका और इसराइल दोनों को परेशान किया हुआ है। तेहरान में हुई परेड ने इसका एक छोटा सा मॉडल दिखा दिया है। इसलिए बड़ी पिक्चर में युद्ध का जो खतरा मंडरा रहा है उसमें ईरान इसराइल के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इन दोनों की दुश्मनी किसी भी वक्त युद्ध में तब्दील हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम एशिया में इसराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही हमेशा एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। अब इस परेड में अपने अंदर की आग दिखाकर ईरान ने साबित कर दिया है कि उसके खिलाफ चाहे जितनी भी आर्थिक पाबंदियां क्यों ना लगा दी जाएं, उसकी ताकत बढ़ती ही रहेगी। ईरान ने हाल ही में अपनी एक मिसाइल का टेस्ट करके बता दिया है कि वो इसराइल को मिट्टी में मिला सकता है। इससे आप ईरान के तेवर को समझ सकते हैं। ये ईरान की नई मिसाइल खुर्रम शहर 4 है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। ये ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है और खुर्रम शहर 4 इतनी सटीक है कि ये मिसाइल अपने टारगेट के 30 मीटर के दायरे में ही गिरती है और 13 मीटर लंबी इस मिसाइल को लॉन्चिंग के दौरान ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है यानी टर्मिनल स्टेज में, इस मिसाइल की रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसराइल की कि किसी भी मिसाइल डिफेंस के लिए इसे रोकना आसान नहीं होगा। इसीलिए इसराइल अब लगातार यहां पर घबराया हुआ है, क्योंकि उसके पास इसका कोई भी विकल्प किसी भी तरीके का नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस मिसाइल के साथ अपना बहुत खास वीडियो भी शूट कराया है। हाल ही में तेहरान में हुए एक डिफेंस शो में खुर्रम शहर मिसाइल के आगे वो चलते हुए नजर आए और फिर ये वीडियो वायरल कर दिया गया। इसमें रईसी 6 खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल के आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपने ईरान की मिसाइलें देखी, अब उसका नया ड्रोन देखिए। परेड में ये नीले रंग का ड्रोन इसराइल को सीधा सीधा टारगेट बनाने की तरफ इशारा कर रहा है। हाल ही में इस ड्रोन को लॉन्च करके ईरान ने अमेरिका और इसराइल को बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। इस ड्रोन को दिखाकर ईरान ने अपने दुश्मनों का हाथ काटने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि उससे जो टकराएगा उसका हाथ कलम कर दिया जाएगा। आखिर इस नए ड्रोन को लेकर ईरान का आत्मविश्वास इतना क्यों बढ़ गया है? ये ड्रोन गाइडेड बम से लैस है, ये ड्रोन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है। इस ड्रोन का नाम है मोहाजिर 10 और यही ड्रोन पूरी दुनिया को दिखाकर ईरान ने दो देशों को बहुत ही खतरनाक चुनौती दे दी है। एक है अमेरिका और दूसरा है इसराइल। दोनों ही ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। کسانی که دستشون به طرف این کشور بخواد به تعدی و تجاوز دراز بشه حتما دست اونها به دست توانای نیروهای ما قطع خواهد شد. ایران کی راجدھانی تهران میں جب یہ ڈرون دکھایا گیا تو وہاں کے راشٹرپتی کا آتم وشواس دیکھنے لائق تھا۔ چکا چوند والے اس ڈیفنس شو میں مہاجر 10 کو جب دنیا کے سامنے لایا گیا تو اس کی تلنا امریکہ کے MQ-9 ڈرون سے کی جانے لگی۔ MQ-9 जिसे प्रेडेटर बी ड्रोन भी कहा जाता है, ये वो ड्रोन है जिससे अमेरिका ने अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में अपने बड़े बड़े टारगेट को खत्म किया है। इसमें अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी भी शामिल था, लेकिन अब इसी ड्रोन की नकल बनाकर ईरान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। ईरान और इसराइल की दूरी 1800 किलोमीटर है और ईरान का दावा है कि मोहाजिर 10 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है, यानी ये इसराइल तक एक तरफा उड़ान भर सकता है और वहां एक कामिकाजे ड्रोन की तरह हमला कर सकता है। इसी बात को लेकर अमेरिका और इसराइल घबराए हुए हैं। मोहाजिर 10 ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये 24 घंटे तक आसमान में मंडरा सकता है और सबसे बड़ी बात ये कि मोहाजिर 10 ड्रोन 300 किलो वजन तक की मिसाइल और बम लेकर उड़ सकता है। ईरान के ड्रोन की रेंज बढ़ती जा रही है और अब इसकी जद में पश्चिम एशिया के वो इलाके भी आ रहे हैं जहां अमेरिका के अड्डे हैं और वो इस ड्रोन को लेकर काफी बौखलाए हुए हैं।
ईरान एक ड्रोन पावर है और दुनिया ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ईरान से युद्ध करना आसान नहीं है। पश्चिम एशिया में ईरान ने अपने ड्रोन पावर की बदौलत ऐसा दबदबा कायम किया है कि इसका खौफ इजराइल तक नजर आता है। ईरान की ऐसी ही ड्रोन पावर को काउंटर करने के लिए इजराइल अब लगातार अपने आयरन डोम जैसे मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार अपग्रेड करने पर मजबूर हो गया है। मुहाजिर 10 ही नहीं, ईरान अपनी ड्रोन इंडस्ट्री को लेकर अब बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है। ईरान जानता है कि जब तक उसकी ड्रोन और मिसाइल पावर मजबूत है, ये बात मायने नहीं रखती कि उसकी कमजोर एयरफोर्स इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कैसे काम करेगी। امروز به عنوان یک کشور مصرف کننده و محتاج نگاه دیگران، امروز به عنوان یک کشور تولید کننده و به عنوان یک کشوری که میتونه بالاترین سخنها رو در صنایع دفاعی و نظامی داشته. محاضر 10 ایران کے ڈرون محاضر 6 کا نیا ورژن ہے اور اب اس میں پرانے ورژن کے مقابلے دو گنا زیادہ فائر پاور ہے۔ امریکہ کا تو یہ بھی الزام ہے کہ ایران اپنے محاضر 6 ڈرون روس کو سپلائی کر چکا ہے جس سے یوکرین میں لگاتار حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ایران کا نیا ڈرون محاضر 10 پرانے ورژن کے محاضر 6 کے مقابلے کافی بہتر ہے۔